एंटेरियर साइड ऑफ किडनी। टोटल नंबर कितना है? टू। फोर नहीं, ठीक है। अब देखो ये होता है, इसका जो शेप होता है ये होता है ट्रायंगुलर, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड का जो शेप होता है ट्रायंगुलर होता है, समझ लो ये अपना किडनी है, तो किडनी के ऊपर से हमको तो अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखता है। तो ये क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड। और ये क्या हो जाएगा हमारा? किडनी, ठीक है। इतना बेसिक समझ में आया सबको? क्या पढ़ रहे हैं हम? छुट्टी चाहिए ना? Yes. जल्दी जल्दी क्या पढ़ रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड। लोकेशन कहाँ होता है? एंटेरियर साइड ऑफ ईच किडनी। टोटल नंबर कितना होता है? दो। शेप कैसे होता है? ट्रायंगुलर, ठीक है। अब देखो किडनी, सॉरी, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को हमने दो इसमें डिवाइड किया। अगर हम इसको पोस्टीरियर साइड से ऐसे कुछ देखें, कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। सो जो बाहर लेयर वाला पोर्शन है क्या हो जाएगा? हमेशा जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये हो जाएगा कॉर्टेक्स। और जो मिडिल वाला पोर्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला, ठीक है। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो राइट साइड का जो एड्रिनल ग्लैंड है, राइट एड्रिनल ग्लैंड, उसका एनाटॉमी थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके एंगल्स, बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस अलग होते हैं, लेफ्ट साइड का अलग होता है, ठीक है। उसका थोड़ा शेप भी अलग होता है, लेकिन जनरलाइज वे में हम क्या बोलते हैं कि उसका शेप कैसे होता है? ट्रायंगुलर। लेकिन लेफ्ट और राइट का दोनों का शेप भी थोड़ा बहुत अलग होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसका डिवीजन कितने इसमें होता है? आइदर इट इज अ कॉर्टेक्स विच इज द आउटर पोर्शन एंड मेडुला विच इज द मिडिल पोर्शन, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में बना हुआ होता है तीन लेयर से। कितने लेयर से? तीन लेयर से। सो आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, और एक होता है इनर लेयर, ठीक है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कितने से बना हुआ है? थ्री लेयर से। एक होगा सबसे बाहर वाला लेयर, एक होगा उसके मिडिल में, और एक होगा इनर में। जो सबसे बाहर वाला होता है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। फिर जो मिडिल होता है उसको हम बोलते हैं जोना, कैसे याद करना बताता हूँ, जोना फैसिक्यूलेटा। और जो इनर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिक्यूलरिस, ठीक है। आउटर लेयर, आउटर लेयर का नाम क्या है बोलो एक बार? जोना ग्लोमेरुलोसा फैसिक्यूलेटा एंड रेटिक्यूलरिस। आउटर से इनर कैसे याद रखोगे? जी एफ आर। लिखते कैसे है बाहर से ना, सिर्फ बाहर वाला। हाँ, जी एफ आर पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? एक्सक्रीशन क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो जी एफ आर से याद रखना है, लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर कंफ्यूजन होता है कौन सा वाला बाहर का था, कौन सा वाला अंदर के साइड में था, तो चुपचाप पेन पर लिखना है जहाँ पर भी है, जी F R, ठीक है। पहले कौन सा लिख रहे हैं? जी, तो ये कौन सा हो जाएगा? आउटर। फिर उसके बाद मिडल, फिर इंग्लिश ऐसे लिखते हैं ना, तो आउटर मिडिल इनर, समझ में आया? हाँ, तो कैसे याद रखोगे बोलो जल्दी? जी एफ आर। जी फॉर आउटर लेयर कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फैसिक्यूलेटा जोना रेटिकुलरिस, समझ में आया इतना? सो
सो क्या पढ़ रहे हैं बोलो जल्दी, एड्रिनल ग्लैंड। लोकेशन क्या है? एंटेरियर साइड ऑफ ईच किडनी। टोटल नंबर कितना होता है? दो। शेप कैसे होता है? ट्रायंगुलर, ठीक है। फिर इसके बाद में उसको एड्रिनल ग्लैंड कितने इसमें डिवाइड किया हमने? दो पोर्शन में। आउटर वन इज कॉर्टेक्स, मिडिल वन इज कॉर्टेक्स। कितने लेयर्स? पहला आउटर, मिडिल, इनर। आउटर जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसिक्यूलेटा एंड जोना रेटिक्यूलरिस। ये तीनों लेयर मिलके क्या बनेगा? तीनों लेयर से मिलके क्या बनेगा? कॉर्टेक्स। और ये क्या रह जाएगा? एक मेड्यूला, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखते हैं मेड्यूला। अब समझो, जो मेड्यूला रहता है वो हमारे इमरजेंसी में काम आने वाले हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है, ठीक है। सो मेड्यूला टोटल हार्मोन कितने सिक्रीट करता है? कितने? दो, ठीक है। कितने हार्मोन सिक्रीट करेगा टोटल? दो। उसमें नाम सबसे पहले का हो जाएगा एड्रिनलिन, और दूसरा हो जाएगा इसका उल्टा नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, और इसका नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। सो एड्रिनलिन एंड एपिनेफ्रिन क्या हो जाएंगे? सेम। ठीक है, मेडुला, मेडुला कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? दो। सबसे पहला एड्रिनलिन, उसी का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, दूसरा हार्मोन नॉर एड्रिनलिन, उसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन, सॉरी। समझ में आया इतना? मेडुला, मेडुला कितने हार्मोन सिक्रीट करेगा? दो। उसके नाम पे ना एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे सी बना एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एड्रिनलिन का सिनोनिम, नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रिनलिन का सिनोनिम्स, ठीक है। अब देखो, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं इन दोनों को हम कंबाइनली बोलते हैं कैटेक्लोमाइंस। क्या बोलते हैं? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कैटेक्लोमाइंस। बोलो क्या बोलते हैं? कैटेक्लोमाइंस। मेडुला, मेडुला के टोटल हार्मोन कितने हैं? दो। पहला एड्रिनलिन, दूसरा नॉर एड्रिनलिन, उन्हीं के दो नाम एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? कैटेक्लोमाइंस, ठीक है। अब बात आती है कब सिक्रीट होते हैं, कब सिक्रीट हो इन केस ऑफ एमरजेंसी, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ फाइट या फिर फ्लाइट। फाइट मतलब करना। हाँ, और फ्लाइट मतलब उड़ना। वैसे नहीं, अटैक करना। हाँ, डिफेंस। अब अगर तेरे सामने शेर आ जाए तो तू फाइट करेगा या फ्लाइट? ऑब्वियसली। और सांप आ जाए तो एनिमल अब्यूज नहीं करेगा, ठीक है। सो अब ये सिक्रीशन, ये एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन कब सिक्रीट होते हैं, या फिर इनको कैटेक्लोमाइंस के अलावा और क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, या फिर इनको क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। जैसे तुम्हारे पापा ने तुमको किसी और के साथ में देख लिया, जिनके साथ में तुमको अभी नहीं दिखना चाहिए था। सो तब तुम्हारा को क्या होगा बताओ खुद? हाँ, तो इसका मतलब फंक्शन देख रहे हैं हम,
खुद को किस सिचुएशन में इमेजिन करोगे? पापा वाली, ठीक है। तो उस वक्त सबसे पहला क्या होगा? हाँ, वो सीक्रेट हो गया तब वो, हाँ ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले हार्ट बीट इंक्रीज होगा, लगता है सबके साथ हुआ है। हार्ट बीट इंक्रीज, नसीब खराब होने के लिए नसीब भी चाहिए होता है, ठीक है। इधर हार्ट बीट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन क्या करते हैं? हार्ट बीट बढ़ाते हैं। अब हार्ट बीट बढ़ रहा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बोलो। हाँ, सो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, फिर बॉडी का किस चीज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा? ऑक्सीजन, भागना पड़ेगा ना, ठीक है। उस टाइम नहीं समझता ना। सो बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता है, इसीलिए क्या होता है? कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट बढ़ेगा। इसके अलावा ये जो हमारे हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स, ये इरेक्ट होते हैं, गूज बम्स जिसको हम बोलते हैं, चिल्स जिसको हम बोलते हैं, स्वेटिंग भी होगा ना, ऑब्वियसली पसीना तो छूटेगा ही। स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग इंड्यूस करेंगे, इसके बाद में गूज बम्स हो गए, ठीक है। इसको इसको क्या नाम दे, क्या बोलते हैं हम इसमें? पिलो इरेक्शन, ठीक है, समझ में आया इतना? अब खुद को तुम्हारे सामने शेर आया हुआ वो इमेजिन करो, ठीक है। ये सेम चीजें होगी, अरे होगी नहीं, तुम्हारा हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा, पसीने नहीं छूटेगा तुम लोगों के, तुम लोगों के लिए चिपकली काफी है। हाँ, हेमिडेक्टाइलस, गूज़बम्स, ये जिसको हम क्या बोलेंगे? पिलो इरेक्शन। तो ये सारे काम क्या करवाता है? कौन सा हार्मोन? एड्रिनल ग्लैंड के, यानी कैटेक्लोमाइंस, या फिर एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, या फिर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी, या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। अब देखो, अब जब तुम्हारे सामने शेर आ चुका है, हाँ ठीक है, तो अब तुम किस चीज के लिए प्रिपेयर होगे? भागने के लिए। भागने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी, स्ट्रेंथ के साथ साथ में क्या लगेगा? क्या किस चीज का कंजम्पशन होगा बॉडी में? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किस लिए यूज करते हैं? एनर्जी। एनर्जी क्या है बॉडी में? एटीपी। एटीपी कहाँ से मिलता है? इतना तुमको एटीपी किस चीज से मिलता है? फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, सॉरी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में आएगा, फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बनता है। एटीपी किससे? मैं हमेशा याद रखना, अरे वो एडीपी प्लस आईपी, वो ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को बोलते हैं। इधर देखो एटीपी किससे मिलता है? जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या मिलता है? एटीपी मिलेगा। तो यहां पर अब हमें एटीपी की जरूरत है, भागना है ना, नहीं भागोगे? भागेंगे पक्का? जिंदगी में कभी ऐसे नहीं भागोगे तो उस दिन वैसे भागोगे, ठीक है। तो एटीपी, अब बता, अब खुद से, अब देखो यहां पर एटीपी की जरूरत है, अब एटीपी का सोर्स क्या बोल सकते हैं हम? ग्लूकोज। सो बॉडी के अंदर जब अगर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, सो बॉडी का ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अरे ब्रेकडाउन तो बाद में हो रहा, सेल्स के पास में जाकर ग्लूकोज लेंगे ना, ब्रेकडाउन ब्लड के अंदर ही ब्रेकडाउन हो जाएगा? नहीं,
नहीं, जब ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ाया था, हाँ, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जब वो सेल उसको ले गए, तब क्या होगा, उनको सेल को ग्लूकोज मिलेगा। अरे बाबा, एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? एटीपी सिंथेसिस ब्लड में होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया किनके पास होते हैं? सोमेटिक सेल्स के पास में, ठीक है। तो सोमेटिक सेल्स के पास में फिर ग्लूकोज जो रिक्वायरमेंट हो किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू जब ब्लड के थ्रू जब ग्लूकोज जाता है, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? अरे बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ। सो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी बढ़ाएगी, ठीक है। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ रहा है? एनर्जी चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। क्यों चाहिए? भागने के लिए, समझ में आया सब? हाँ। सो अब अपने को ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो बॉडी क्या करेगी? ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी ग्लूकोज रहेगा वो ब्रेक डाउन करेगी बॉडी, ठीक है। लेकिन उससे काम होगा क्या? नहीं। अरे तेरे को डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा चाहिए ना, तेरे को हैबिट है, दिन भर तू घर के अंदर सोता है सिर्फ और सिर्फ। अरे फॉर एग्जाम्पल, दिखता है तो चलता है, ठीक है। सो अभी तुमको बॉडी अपनी अडेप्टिव होती है ना, तुम लोग सिर्फ घर में बैठे रहोगे, कुछ एक्सर्सन नहीं करोगे, बॉडी को कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बॉडी उसके हिसाब से एटीपी सिंथेसिस करेगी। अचानक से शेर आ गया, बॉडी को हैबिट नहीं है, तो जो बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसका वो कम पड़ेगा ना, समझ में आया? तो फिर अब बॉडी कहाँ से लेकर आएगी? ग्लूकोज तो चाहिए ताकि एटीपी मिले, ताकि भाग सके। लेकिन बॉडी हमेशा इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, होती है हमेशा। नहीं, अगर नहीं होती तो तुम 2-3 दिन फूड के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो मतलब ग्लूकोज का कहीं ना कहीं स्टोरेज होता है बॉडी में। तो ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? अरे फैट एक अलग है, फैट लिपिड से बने होते हैं। ग्लूकोज किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। हाँ, कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में वही कार्बोहाइड्रेट के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल शुगर बनते हैं, और फिर वही किसके इसमें हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। फैट एक अलग एंटिटी है, तो इंडियन रुपीज और डॉलर को एक साथ मिला रहा है, ठीक है। डॉलर की वैल्यू कितनी है? 81 रुपीज। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट समझ ले उसको, या ग्लूकोज समझ ले, उससे एटीपी ज़्यादा मिलेंगे। लिपिड का ब्रेकडाउन इंडियन रुपीस वैल्यू कम है, एटीपी कम मिलेंगे उसके ब्रेकडाउन से। सो अल्टीमेटली कौन ज़्यादा, किसकी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? कार्बोहाइड्रेट की। तो मेन एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, समझ में आया? ठीक है, सर को बोलूँगा उतना कट करने के लिए, समझ में आया इतना। सो अब बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड वो है, स्टोर्ड ग्लूकोज है ना, तो स्टोर्ड ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है हमारे बॉडी में? अरे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं होता है, वो होता है ग्लाइकोजेन। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजेन। किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजेन। तो वही स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे, कौन करवाएगा? यही हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, जिससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, फिर उससे क्या होगा, सेलुलर लेवल पर किसका अपटेक ज़्यादा होगा, किसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा? ग्लूकोज का। फिर वही ग्लूकोज सेलुलर जब यूटिलाइज करेंगे, उससे क्या बनेगा? एटीपी, और हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। फिर मैं भी बच जाओ, ठीक है, समझ में आया इतना। सो यहाँ पर ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन होगा, मतलब एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन करवाएंगे, हाँ या ना बोलो? यस। या उसको स्टोर करके रखेंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे। सो क्या करते हैं, फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन, समझ में आया? हाँ या ना बोलो? हाँ। अब देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा।
अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से हमारे से कोई मतलब है क्या, जब तक कि वो सेल के पास ना जाए? बोलो, नहीं है। तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन क्या करेंगे, सेल्स सेल को स्टिम्युलेट करेंगे ग्लूकोज को लेने के लिए या उसको इनहिबिट करेंगे? लेने के लिए स्टिम्युलेट करेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। बोलो, हाँ। सो इंक्रीजेस द, बोलो, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सारे फंक्शन समझ में आए, कैसे काम करेंगे ये बोलो। सबसे पहले इनमें क्या क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा क्या जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिक्रीट होंगे हमारे बॉडी में? तो छुट्टी नहीं चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं इतना पढ़ा के छोड़ दूँ? फिर बोलो जल्दी, फंक्शन हार्ट बीट बढ़ाएंगे क्या ये? ठीक है। इसके बाद में कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा? यस। स्वेटिंग होगी? यस। इसके अलावा पिलो इरेक्शन? व्हाट डज इट मींस बाय पिलो इरेक्शन? गूज बम्स। इसके बाद में ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन स्टिम्युलेट करेगा? यस। बोलो, यस। हाँ। और फिर सेलुलर सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा टू यूटिलाइज द मोर एंड मोर ग्लूकोज? बोलो हाँ या ना। उससे क्या होगा, जब सेल्स यूटिलाइज करेंगे मोर एंड मोर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उससे क्या होगा? हाँ, तो एटीपी कैसे बनेंगे? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। कितने इसमें होता है एटीपी सिंथेसिस? ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब साइकिल एंड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहाँ होती है ये तीनों के तीनों साइकिल्स? कहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस? कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस? कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहाँ होती है? और ईटीसी कहाँ होती है? पढ़ के आना कल। कहाँ होता है सब प्रोसेस? छुट्टी नहीं है, ठीक है, अभी रुको। बोलो, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन क्या है? एंटीरियर साइड ऑफ किडनी। टोटल नंबर कितना होता है? दो। शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। इसके बाद में कॉर्टेक्स, इसको कितने इसमें डिवाइड किया है? दो इसमें। आउटर वन इज कॉर्टेक्स, इनर वन इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कितने लेयर से बना होता है? आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलेसा, मिडिल इज जोना फैसिक्यूलेटा और इनर वन इज जोना रेटिकुलरिस। कैसे याद रखोगे? GFR। उसमें अगर भूल जाए कौन सा था, मतलब कौन सा आउटर था, कौन सा मिडिल था और कौन सा इनर था, तब उसको लिख कर देखना है। GFR, आउटर वन, पहले कौन सा लिख रहे? जी, फिर एफ, फिर आर। इंग्लिश लैंग्वेज का जैसे हम लिखते हैं उस हिसाब से उसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में मेडुला, मेडुला कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? दो। नाम बोलो, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, उन्हीं के सिनोनिम्स एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों कंबाइन लिए उसको क्या बोलते हैं? कैटेक्लोमाइंस, या फिर इनको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, या फिर हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। समझ में आया? इसके बाद फंक्शन, फंक्शंस कैसे याद रखोगे? खुद को किस सिचुएशन में इमेजिन करोगे? शेर आ गया तुम्हारे सामने, सबसे पहले क्या होगा? तो ये तो उसके बाद वाला बात है ना, सबसे पहले कैटेकोलोमाइन सिक्रीट होगे ना, फिर वो क्या करेंगे? हार्ट बीट का इंक्रीज करेंगे, उसके बाद कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, फिर स्वेटिंग, फिर गूजबम्स, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन। क्यों होता है, समझ में आया ये? ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़े, ताकि उसका फिर सेल्स उसका यूज कर सके और एटीपी प्रोडक्शन बढ़े। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ाता है ताकि एटीपी प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े। समझ में आया? हाँ। अब देखो, एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कल उसका आंसर लेकर आना। ये किसको एक्टिवेट करते हैं? सिंपथेटिक
नर्वस सिस्टम बोलो किसको स्टिम्युलेट करते हैं ये मतलब ढूंढ के लाना बोलना नहीं है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं एक्टिवेट करते हैं या फिर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ये प्यूपिलरी प्यूपिल्स को डायलेट करवाएंगे प्यूपिल डायलेशन करवाएंगे या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे ढूंढ के आओ उसका प्रॉपर रीजन भी चाहिए यूज वॉट एवर द सोर्सेस यू कैन सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक ठीक है हाँ